इंडिपेंडेंस डे यानी कि वे दिन जिस दिन भारत आजाद हुआ। इस समय मैं जिला डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हूँ और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इस बात का गवाह है कि ये बच्चे कितने खुश हैं। हालांकि बारिश ने थोड़ा सा खलल डाला लेकिन इनका जज्बा देखिए डटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफैया जान है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ गुजर हॉस्टल से। सब बहुत मजा है, हालांकि बारिश भी हो रही है लेकिन हमें बहुत मजा आ रहा है। और देखो यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बच्चों का जो जुनून है वो भी बहुत अच्छा है। और सर हम इस बात से खुश हैं, बारिश ने हमारा जुनून और ज्यादा बढ़ा दिया और ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। आज तक इतने बरस के बाद बारिश हुई और वो भी इस डे पर, सब बहुत अच्छा है। सवैया ये जो आपने पहना है इसको क्या बोलते हैं? सर इसको में जोजी बोलते हैं और ये क्या क्या कहते हैं? सर जोजी बोलते जोजी। जी सर। और ये हमारी खानदानी है। खानदानी है जी सर। अच्छा लगता है जब ये सब आप पहन के निकलते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर, ये गोजी कल्चर है और सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब हम अपने बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? इसने पहनू। अच्छा अच्छा इस ये जो हाथ में पहने इसको क्या कहते हैं? चूड़ी कहते हैं। चूड़ी कहते हैं। तो ये मतलब ये गोजरी कल्चर है सारा। गोजरी कल्चर है। कैसा लग रहा है? बारिश तो बहुत हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा डर मतलब मायूस हुए थे कि ज्यादा बारिश होगी तो कैंसिल ना हो जाए कल्चर प्रोग्राम? नहीं होगा कैंसिल, क्यों? अच्छा आप क्या परफॉर्म करने वाले हो? हम डांस। डांस परफॉर्म करने वाले हो? तो आपका क्या नाम है? अच्छा कौन सा डांस करने वाले हो? सर गोजरी डांस। गोजरी डांस करने वाले हो? यस सर। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश ने थोड़ा सा मूड खराब किया? नो सर। नहीं किया मूड खराब बारिश ने? नो सर। नहीं किया? नो सर। अच्छा तो ये देखिए ये वो तमाम बच्चियां हैं यहाँ पर और भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे। क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा स्नेहा आप कौन से स्कूल से हैं? हम गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से हैं। गर्ल्स हाई सेकेंडरी से। ये देखिए ऊपर वाला भी बरसात बरसा रहा है। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बारिश ने थोड़ा सा मूड खराब किया? बारिश की थोड़ा मूड खराब है क्योंकि अच्छे से खुल के डांस नहीं कर पाएंगे टीचर की वजह से, अदरवाइज ठीक है। सब करना तो है ही। करना तो है, बिल्कुल करना है। तो आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं? हमारा जो है वो मिक्सचर है सॉन्ग का, देशभक्ति भी है, कश्मीरी भी है, गिद्दा भी, हर एक चीज मिक्सचर रखा है हमने। हर एक चीज का अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को अपने देश के अंदर। कैसा रहा फैसिलिटीज पूरी मिली है? हाँ मैक्सिमम पूरी फैसिलिटीज है, बारिश की बस थोड़ा खराब हो रहा है, फैसिलिटीज तो पूरी थी यहाँ पे। अच्छा आपका क्या नाम है? मधु चाड़ा। मधु बारिश ने मूड खराब किया? यस सर वो तो किया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अभी आप लोग डांस परफॉर्म करेंगे, आप थोड़ा ऊपर आइएगा अगर आ सकते हैं तो। ये इनका पूरा बैच है, ये यहाँ पर इनका पूरा बैच दिखाइए, ये पूरा बैच है इनका। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है? ये सर बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश तो लेकिन बहुत हो रही है, बारिश में ही डांस करने का मजा कुछ और ही होता है। बारिश में डांस करने का मजा बहुत। यस सर। कैसा लग रहा है? इंतजाम अच्छा कर रहा है? ये सर अच्छा ही है, तकरीबन अच्छा है। देखिए ये जज्बा है इन बच्चों का। और आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। आपको परेड करके आए अभी, आप भी कल्चरल में है, एक्टिविटी में। आप कौन से स्कूल से हैं? 12th सेकेंडरी से हैं। हमने देखा बहुत कीचड़ था लेकिन आप लोग अच्छे से कर रहे थे, तो थोड़ा सा मूड खराब हुआ था कि बारिश हुआ था। हम चाहते हैं कि यहाँ पर तो जो सीमेंट है ना जो ऊपर पर से थोड़ा थोड़ा वो लगाया जाए क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था हमारे साथ। यहाँ 15 अगस्त में हमारे साथ यही हुआ था, पूरी चिकर थी, हमारे मुंह चिकर पूरे कपड़े भर गए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा कुछ करे इसको। देखिए यकीन जानिए कि यहाँ पर बारिश तो हो रही है लेकिन अब बच्चों में इतना जज्बा है कि ये कह रहे हैं बारिश चाहे जितनी मर्जी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल कल्चरल एक्टिविटीज जारी है, परेड खत्म हो चुका है और बच्चों में जज्बा है और ये समझ लीजिए कि हाउस द जोश, हाई सर यहाँ पर चल रहा है।